हेलो गाइस, स्वागत आप सभी पंगोन मिशन एक्सप्लोरर्स ऑफ द स्काई की ब्रांड न्यू वीडियो में। एंडिंग के लास्ट एपिसोड में हम आज की माउंट ब्रिस्टल में और यहाँ पर हम एक ड्रोजी के पीछे करते पहुंचे थे और उस ड्रोजी ने यहाँ पर एक छोटे से अजुल को किडनैप कर लिया है। सो यहाँ पर हम उसे बचाने के लिए आए हैं। एंड लास्ट एपिसोड में यहाँ पर मैं फेंट हो गया था 9th फ्लोर पर और उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कराई अपने पोकेमोन की एंड मैं वापस आ चुका हूँ 9th फ्लोर पर और यहाँ से अभी हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पर मुझे भूख लग रही है यहाँ पर अभी यार, वीडियो स्टार्ट हुई नहीं और मेरे पोकेमोन को भूख लगनी स्टार्ट हो गई। वैसे मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर खिलाने के लिए इसको। ओके, मेरे पास बेरीज ही पड़ी हुई हैं यार, ये तो सही नहीं है। चलो इसे अभी के लिए बेरीज ही खिला देता हूँ और तो हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। इससे थोड़ा इसका पेट बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर इसका विजन थोड़ा सा लगता है कम। ओके, विजन यहाँ पर बेकार हो चुका है उस बेरी की वजह से, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर मुझे पॉइजन भी हुआ है यार, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पॉइजन की वजह से, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर हम पीक पर आ चुके हैं इस माउंटेन की। ओके रहा वो यहाँ पर ड्रोजी और वो छोटा सा अज़ुरिल। इट्स अ डेड एंड। एक्सक्यूज मी मिस्टर ड्रोजी, वेयर इज़ माई लॉस्ट आइटम? कुड यू सो मी वेयर द आइटम इज नाउ? सॉरी किडो, योर लॉस्ट आइटम इट्स नॉट हियर, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, माई बिग ब्रदर इज फॉलोइंग अस, राइट? ही इज कमिंग सून। नो, योर बिग ब्रदर इज नॉट कमिंग। आई लेट यू इन ऑन अ लिटिल सीक्रेट, दिस वॉज ऑल अ ट्रिक, आई डिसीव्ड यू। ओके यार, इसने यहाँ पर उसका बेवकूफ़ बना दिया छोटे से बच्चे का। हाँ, बट लेट्स नॉट ड्वेल ऑन डैट, देयर्स अ लिटिल फेवर आई नीड टू आस्क। सी दैट होल बिहाइंड यू? ओके, यहाँ पर एक छोटा सा होल हुआ है माउंटेन के अंदर। वेल, देयर्स अ रूमर डैट देयर्स अ ट्रोव ऑफ थीव ट्रेजर इनसाइड देयर, बट एज यू कैन सी आई एम टू बिग ऑफ स्क्रीम माई वे थ्रू दैट होल। ओके, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ पर जा नहीं पाएगा इसके अंदर ही। एंड दैट्स वेयर यू कम इन। डोंट वरी, जस्ट डू एज आई से, डू दैट देन आई विल हेल्प यू गेट बैक आउट ऑफ हेयर, बट गो ऑन, गेट गोइंग। ओके, बेचारे कांप रहा है इसकी वजह से। गो इन टू दैट होल एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग बैक द ट्रेजर। और ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। हे, स्टॉप दैट, आई सेड दैट आई विल टेक यू होम व्हेन यू आर डन। इफ यू कीप बीइंग डिफिकल्ट, इट विल मीन बिग ट्रबल फॉर यू, हेल्प। ओके, यहाँ पर ये मैंने ये सीन वैसे पहले भी देखा है, मतलब मेरे विजन में, मेरे चार्मेंटर ने पहले देखा था वैसे। स्टॉप राइट देयर। ओके, यहाँ पर लीफ, मतलब हम दोनों आ चुके हैं यहाँ पर और अब हम उस छोटे से बच्चे को बचाएंगे यहाँ पर। वी वॉन्ट लेट यू डू दैट ड्रोजी, यू बुली। सही बात है, बुली कर रहा है उस छोटे से बच्चे को। हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस? वी आर टीम पोकेवाल्स एंड एक्सप्लोरेशन टीम, नो क्रिमिनल कैन एस्केप अस। एंड एक्सप्लोरेशन टीम, यू केम टू अप्रेंड। ओके, ये चिकोरिटा काफ क्यों रही है वैसे? हाँ, आर यू ट्रेमलिंग? आई फिगर इट आउट। यू से यू आर ऑन एन एक्सप्लोरेशन टीम बट यू आर टोटली रॉकीज, और हे, दैट्स राइट, आई एम अ वॉन्टेड पोकेमोन विद अ बाउंटी ऑन माई हेड, बट कैन यू टू डू दैट डू द जॉब? कैन यू कन्फ्रंट दिस आउटलो एंड ब्रिंग हिम टू जस्टिस? और अरे यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। यस वी कैन। चलो ठीक है, हम यहाँ पर बैटल करेंगे इससे। अब वीड नेवर लूज टू अ बैड गाय लाइक यू। हाँ हाँ, आई हैव बीन चेस्ड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन टीम्स इन माय डे, बट नेवर अ सॉरियर लुकिंग बंच देन यू टू। और दिस वुड बी अ लाफ, लेट्स सी इफ यू कैन टेक मी डाउन, सो मी वॉट यू गोट। चलो ठीक है, यहाँ पर बैटल करते हैं इसे हम। और यहाँ पर एक छोटे से बच्चा हमें बचाना है यहाँ पर। ओके, चलो यहाँ पर मैंने एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने टीम मेंबर को ज़रा कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बता देता हूँ टैक्टिक्स में जाकर। ओके, ये सही है। एंड मेरे मूव्स यहाँ पर कौन से? ओके, यहाँ पर मेरे मूव्स की पीपी यहाँ पर फुल हो चुकी है। चलो, तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना मुझे यहाँ पर स्केच से लड़ना पड़ता। इसे यहाँ पर सेट करूँगा मैं और अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बैटल। ओके, यहाँ पर मैं एम्बर कर लेता हूँ अभी। चलो बढ़िया, यहाँ पर उसने लीफ ले। अरे यार, एक सेकंड, यहाँ पर इसने अटैक्स कौन से लगाए हुए हैं लीफ ने? मैंने अटैक्स देखे ही नहीं इसके। ओके, पॉइजन कर दिया उसने, चलो काफ़ी बढ़िया। अरे यार, ये मुझे इतना ज़्यादा डैमेज क्यों दे रहा है? यहाँ पर मैं करूँगा स्मोक स्क्रीन, जिससे कि थोड़ा डैमेज, मतलब उसका एक्यूरेसी कम हो। ओके, अब बारी हमारी यहाँ पर एम्बर अटैक करने की। ओके, उसने मिस कर दिया और हमने फेंट कर दिया उसे। ये तो काफ़ी सिंपल था वैसे, बन तो ही ऐसे रहा था जैसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चलो बढ़िया, ये फेंट हो गया यहाँ पर। और ये रहा हमारा छोटा सा दोस्त। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, आर यू ओके? यू आर नॉट हर्ट, आर यू?
I'm okay. Great. What a relief. Your big brother's waiting. Let's go home. Okay. चलो फाइनली यहाँ पर हमने इसे पकड़वा भी दिया. आई एम मैग्नेजोन द प्राइमरी ऑफिसर इन दिस रीजन. ओके ये ऑफिसर वगैरह है यहाँ पर. थैंक्स टू यू वी हैव बीन एबल टू अरेस्ट अ वॉन्टेड आउटलो. वी ओ यू ग्रेट थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन. ओके ये तो काफ़ी सही है वैसे. वी विल सेंड दिस रिवार्ड टू योर गिल्ड. थैंक यू अगेन. नाउ कम विद अस. अजूरिल. ओके यहाँ पर इसका भाई आ चुका है. काफ़ी बढ़िया. मेरिल. वो ये से रोने लगा बेचारा. मेरिल आई वॉज सो स्केरी. इट वॉज सो स्केरी. यू ओके अजूरिल? आर यू हर्ट? ही इज़ फाइन. द लिटिल गाय इज़ नॉट हर्ट इन एनी वे. रियली दैट्स अ रिलीफ. ओ अजूरिल आई एम ट्रूली हैप्पी फॉर यू टू. यू डिड दिस ऑल फॉर अस Leaf and Mike. We won't forget what you did for us. Thank you so much. Come on, Azuril, you too. Yep. Thank you very much. Thank you for rescuing me. अरे कोई बात नहीं. Really, really thanks you. चलो finally यहाँ पर हमने अपना mission complete कर दिया यहाँ पर. और हम चलने वाले हैं अपनी exploration team. Okay, यहाँ पर the exploration team federation has sent a message. और यहाँ पर हमें रिवार्ड भी मिल चुका है एक काफ़ी लार्ज ट्रेजर बैग. ओके हमारा जो बैग था वो काफ़ी मतलब अब ज़्यादा आइटम्स स्टोर कर पाएगा. यू कैन नाउ कैरी मोर आइटम्स देन यू कुड बिफोर. वेट देर इज़ वन मोर मैसेज. ओके यहाँ पर द स्पेशल एपिसोड बी डू स्विस हैज़ बीन अनलॉक. ओके स्पेशल एपिसोड भी है यहाँ पर. टू प्ले अ स्पेशल एपिसोड सेलेक्ट इट फ्रॉम द एपिसोड लिस्ट ऑफ द ऑन द टॉप मेन्यू. ओके यहाँ पर टॉप मेन्यू में जाना पड़ेगा. इफ़ यू वुड लाइक टू प्ले द स्पेशल एपिसोड Save your adventure progress and return to the top menu. So special episode मैं कभी बाद में करूँगा. अभी तो मैं यहाँ पर main story पर focus कर रहा हूँ. I've gotten the bounty from Officer Magnezone for the captured outlaw. Well done you two. Here's your share for the job. चलो काफ़ी बढ़िया. यहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला है वैसे. It's yours to keep. और यहाँ पर मैंने 3000 pocket dollars. ये तो काफ़ी बढ़िया है. चलो However, because 2700 पॉकेट डॉलर्स ऑफ डेट इज़ द गिल्ड शेयर. अरे यार इन्होंने हमसे ले लिया इतने पैसे. दैट पोर्शन वॉज विथहेल्ड. एज अ रिजल्ट माई टीम रिसीव्ड ओनली द रिमेनिंग 300. अरे यार हमें पहले भी इन्होंने ऐसे ही दिए थे. नो वे दिस इज़ ऑल वी गेट आफ्टर ऑल आवर एफर्ट्स. बट ऑफकोर्स इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड वी एक्सपेक्ट जस्ट एज मोर मच एफर्ट टुमारो. ही अरे यार ये सही नहीं यार. मैं यार वैसे यहाँ पर चीज़ें महंगी भी हैं और हमें इतने कम पैसे मिल रहे हैं. इस तरह से हम कैसे चलेंगे. इट वुड बी नाइस इफ़ देट गिव अस अ स्लाइटली बिगर शेयर ऑफ द रिवार्ड. बट दैट्स ऑल राइट. वी मैनेज टू रेस्क्यू अजूरिल एंड इट ऑल थैंक्स टू यू माइक बिकॉज यू हैड दैट ड्रीम माइक. हाँ सही बात है यार. वो मुझे यहाँ फ्यूचर वगैरह दिख रहा है वैसे. वी लर्न अबाउट अजूरिल्स ट्रेवल इन एडवांस. इट्स ट्रू. I can't explain it, but that first shoot I heard from Azuril. Help. Okay, हाँ उसने यहाँ पर help के लिए बताया. मतलब उसके अंदर से आवाज़ आई थी वैसे. And that dream I had. Okay, हाँ ये यहाँ पर हम मैंने पहले से देख लिया था ये dream पहले जब हम ये होने वाला था उससे पहले. Both of these events, they took place in the future. Why was I able to see something like that? What was that dream about? ओ माई स्टोमच ग्राउल्स. ओके यहाँ पर ये इसके यहाँ पर भूख लग रही है दोनों पोकेमोन्स को. हाँ योर स्टोमच ग्राउल्ड टू माइक. आई गेस वी मस्ट बी फेमिस्ट. वी वर सो फोकस्ड ऑन रेस्क्यूइंग अजूरिल दैट आई डिड नॉट नोटिस एट ऑल. ओके फिर से. बट नाउ आई एम इवन हंग्रियर. कम ऑन लेट्स गो गेट डिनर माइक. सो चलो फाइनली हमारे यहाँ पर दोनों पोकेमोन्स अब डिनर कर सकते हैं अपने इतने बड़े मिशन के बाद. वो ये फिर से यहाँ पर इतनी तेज से खा रहे हैं. चलो तो काफ़ी सही है. इन्होंने पूरी मेहनत की है इन सभी पोकेमोन्स ने. ओके यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई. चलो काफ़ी अच्छा है यार. हमारे यहाँ तो कुछ बारिश वगैरह हो नहीं रही. इतनी तो गर्मी वैसी हो रही है. गई वैसे मुझे कमेंट से बताओ आपके यहाँ कुछ बारिश वगैरह हो रही है क्या. अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है वैसे. अभी बारिश तो मुश्किल ही है थोड़ा सा. वो दैट लाइटिंग्स इंटेंस. इट लुक्स लाइक इट्स रियली स्टॉर्मी टुनाइट.
That reminds me, you know the night before we met Mike? It was storming that night. हाँ सही बात है, मतलब उस टाइम में काफ़ी बड़ा तूफान आया हुआ था. आई फाउंड यू आउट कोल्ड ऑन द बीच द डे आफ्टर दैट स्टॉर्मी नाइट माइक. सो डू यू रिमेंबर एनी थिंग अबाउट बींग आउट कोल्ड ऑन द बीच? कैन यू रिमेंबर एनी थिंग एट ऑल? आई वंडर. देयर वॉज अ स्टॉर्म बट हाउ डिड आई एंड अप अनकॉन्सियस देयर? नोप, आई कैंट रिमेंबर एनी थिंग. आई गेस इट वॉन्ट बी दैट ईजी बट डेट्स ऑल राइट. जस्ट ट्राई रिमेंबरिंग अ लिटिल एट अ टाइम. चलो ये तो बढ़िया, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है. हाँ, और वी हैव टू गेट अप अर्ली अगेन टुमारो. लेट्स गेट सम स्लीप. चलो ठीक है, यहाँ पर अभी दोनों सो रहे हैं. ओके चलो, बाहर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही है, काफ़ी सही है वैसे ये मौसम भी. मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ बारिश वगैरह आ जाए यार, हमारे यहाँ भी सही रहेगा. से माइक, आर यू स्टिल अवेक? आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस इट हैपेंड. That strange dream you had, Mike. Maybe it has to do with you personally. हाँ, I can't quite say why. I sure don't know any other charmander who dreams about the future. And I've never heard of a human suddenly turning into a Pokemon either. That's why I think those two events are connected. That's the feeling I kept getting. The key to unlocking my memory. Was it in that dream? But even if that were true, how does it relate to anything else? I don't know what you were like as a human, Mike. But I think you must have been a good person. After all, Mike, it was your dream that helped us catch that bad Pokemon. Bad Pokemon, huh? Oh, that reminds me of what Chatwood said. That the growing number of bad Pokemon has been caused by time going out of whack. You know, time is getting mashed up, bit by bit, all over the world. No one seems to know why, but everyone believes that the time gears are somehow involved. Okay, time gears ke kya hai? Time gears. They say time gears are hidden in secret places around the world. ओके, अब कुछ टाइम गेट्स नाम की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, लाइक इन अ फॉरेस्ट और एट अ लेक इन एन अंडरग्राउंड कारवान. आई हैव इवन हियर दैट देयर इज अ हिडन अल्टार इनसाइड अ वोल्केनो. ओके, ये है वो यहाँ पर टाइम गेट. एट द सेंटर ऑफ सच प्लेसेस इज व्हाट्स नोन एज अ टाइम गेयर. टाइम गेट सर्व अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. Each one protects time and keeps time flowing properly in its region. ओके, बड़ा लाइटनिंग वगैरह हो रही है यहाँ पर तो. ओके, यहाँ पर ये क्या हो रहा है वैसे? और ये मैं कौन सा जगह, ये कौन था वैसे यहाँ पर? बट वॉट हैपन्स इफ आर रीजन लूजेस इट्स टाइम गियर? आई डोंट रियली नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन. ये शायद ये ग्रोवाइल है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, हाँ, ये ग्रोवाइल ही है, मुझे पता चल गया है, पीछे से ऐसा ही लग रहा है ग्रोवाइल ही. बट माई गेस इज दैट इफ अ टाइम गियर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन द फ्लो ऑफ टाइम इन दैट रीजन विल प्रोबेबली स्टॉप टू. ओके, ये कर क्या रहा है? ये टाइम गियर के पास आया है यहाँ पर, फॉरेस्ट वाले के पास. दैट्स वाई एवरी वन मेक श्योर नेवर टू डिस्टर्ब द टाइम गियर्स. एवरी वन हैज़ लॉन्ग बीन सर्टेन दैट सम काइंड ऑफ डिजास्टर वुड स्ट्राइक. So everyone stay away from the time gears and don't tamper with them. Even the most hardened criminal Pokemon know to avoid messing with them. वैसे ग्रोवाइल कर क्या रहा है वहाँ पर? Do my eyes deceive me? Could it be? Yes, it is. I finally found it. A time gear. But this is only the first of many. ठीक, कर क्या रहा है वैसे यहाँ पर? ये उसे चुराने की कोशिश कर रहा था, ये मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ये चुराने की कोशिश कर रहा है उसे. और यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसने ऐसा किया तो. द नेक्स्ट मॉर्निंग, चलो यहाँ पर नई मॉर्निंग यहाँ पर हो. ओके, ये यहाँ पर लाउंडेड आ चुका है हमें उठाने के लिए. भाई ये अलग ही है, ये अलग ही तरह के अलार्म क्लॉक है. इनके बेचारे कान यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है. ओ गुड मॉर्निंग माइक. अरे बेचारे हमारे पोकेमोन्स. और यहाँ पर मैं सेव तो अभी नहीं करूँगा, बाद में करता हूँ मैं सेव. यहाँ पर अभी निकलते हैं ऐसे हम बाहर और देखते हैं हमारा कोई नया मिशन होने वाला है क्या. एंड थ्री
Smiles go for miles. Okay, Pokemon, time to get to work. हुर्रे, चलो फाइनली यहाँ पर सभी पोकेमोन्स निकल चुके हैं अपने अपने काम पर और हमें भी निकलना है अभी. एंड यू टू, लेट मी गिव यू योर असाइनमेंट फॉर टुडे. लुक अप जॉब्स ऑन द जॉब बुलेटिन बोर्ड एंड द आउटलो नोटिस बोर्ड. डू द लिस्टेड जॉब्स डेट विल डू फॉर टुडे. अंडरस्टूड? यू सिर्किंग, नो सिर्किंग योर वर्क. ओके, वेल इफ यू अंडरस्टैंड, गेट ऑन विद इट. चलो ठीक है, फिर हम निकलते हैं यहाँ से ऊपर और देखते हैं हमारी आज की क्या जॉब होने वाली है. और यहाँ पर वैसे दो तरीके की जॉब्स हैं यहाँ पर. ये दोनों पोकेमोन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने जॉब के लिए आए हुए सभी लोग. ओके, जॉब लिफ्ट है यहाँ पर. ओके, लिफ्ट तो यहाँ पर एक्टिव नहीं हो सकते अभी. एक बार यहाँ पर चेक करता हूँ जॉब बुलेटिन बोर्ड में. सो यहाँ पर हमें कुछ जॉब्स बताई हुई है और यहाँ पर हमें लोकेशन ही बताई हुई है यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलने वाली है, मतलब ये कैसे कम्प्लीट होंगी जॉब. डिलीवर स्लीप सीड. ओके, यहाँ पर ये हमें स्लीप सीड डिलीवर करना है. फाइंड ए ट्रेजर फॉर बी. फाइंड रिवाइवर सीड. ओके, यहाँ पर ये सभी जॉब्स तो है वैसे. ओके, ई और डी रैंक की है यहाँ पर और इससे कोई अलग तो जॉब यहाँ पर है नहीं. वैसे क्या इसमें अभी सोच रहा हूँ जो यहाँ पर जो ऐसी जॉब्स है जिनका कोई रिलेशन नहीं है मेन स्टोरी से, उन्हें मैं बाद में ऑफ वीडियो कम्प्लीट करूँगा. अभी के लिए बस मैं यहाँ पर कोई मेन जॉब देखने वाला हूँ जो हमें करनी होगी. ऊपर तो अभी नहीं जाना हमें. और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आउटलॉज आर ऑल रैंक्ड. दे आर ईजीएस्ट इन ई रैंक. द क्रिमिनल्स गेट टफर इन डी रैंक. इवन देन इवन टफर इन सी एंड सो ऑन. ओके, तो इनकी रैंकिंग के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर. तो ई रैंक वाले इस पर कमज़ोर हैं यहाँ पर. और ओके, यहाँ पर तो हम एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं अभी. सही नहीं यार ये तो. फिर इसका मतलब तो मुझे अभी यहाँ पर एक नॉर्मल सी जॉब करनी पड़ेगी. सो कोई बात नहीं, अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कोई अच्छी जॉब. तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ये अभी मिशन यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, फाइंड अ ट्रेजर फॉर मी. और ये हमें जाना है यहाँ पर ड्रेंच्ड ब्लफ में और हमें फोर्थ फ्लोर तक जाना है उसके. तो चलो सही है, यहाँ पर अभी निकलते हैं अभी. और यहाँ पर मैं काम करूँगा, पहले तो यहाँ पर शॉपिंग करना चाहूँगा यार अच्छी तरह से. चल से यहाँ पर हम शॉपिंग करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से. और शॉपिंग के लिए हमें जाना है यहाँ पर चेकिंग की शॉप में और देखते हैं यहाँ पर हमें आज कुछ नए आइटम्स मिलेंगे या नहीं. यस, आई वेयर्ड यू सेव दैट क्यूट अजुरल फ्रॉम अ हॉरिबल आउटलो. फॉर दैट प्लीज एक्सेप्ट अवर सिंसियर थैंक्स. और यहाँ पर हमें मिलने वाला है. ओके, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे लगा यहाँ पर मैं कुछ देंगे बट कोई बात नहीं. और यहाँ पर हमारे पास पैसे तो काफ़ी कमी है अभी तो. और यहाँ पर कुछ यार रिवाइवर वगैरह नहीं मिल रहे क्या? रोफ्ट बेरी मिल रही है यहाँ पर बस और एलिजायर. और यहाँ पर मैं इसे लूँगा यार. एलिजायर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर मेरे जो अटैक्स की पीपी है वो कम हो जाती है और एक ही एलिजायर था इनके पास. चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के निकलते हैं हम यहाँ पर और तो कुछ कर नहीं सकते अभी. और यहाँ पर मुझे काम करना था वैसे आगे बढ़ने से पहले. यहाँ पर मैं अपने बैंक में कुछ पैसे स्टोर करना चाहूँगा बिकॉज अगर मैं हारता हूँ तो यहाँ पर मेरे पैसे आधे हो जाएंगे. तो मैं सारे स्टोर कर दूँगा यहाँ पर. चलो ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं इतने कर देता हूँ अभी के लिए और बाकी मैं थोड़ा बहुत अपने पास रखूँगा क्योंकि हो सकता है मैं ज़रूरत पड़ जाए. ओके, अभी निकलते हैं यहाँ से हम और चलते हैं हम ड्रेंच्ड ब्लफ में और इस तरह से हमें जाना है. ये रहा हमारी लोकेशन जहाँ पर हमें जाना है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन. यस, और इसमें ये सही है वैसे, हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ जाता, बस हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाते हैं ब्लफ में. और यहाँ पर ओके, ये क्या कर रहा है यहाँ पर एम्बर? अरे ये तो एक बार फेंट हो गया, तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कमज़ोर था मतलब वो. और इस तरह हम चेकआउट करना स्टार्ट करते हैं अभी. और यहाँ पर नीचे ओके, और ही पोकेमोन हैं यहाँ पर.
ओके, तो हम यहाँ पर एंडिंग में आ चुके हैं बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ है क्या? दिस अपीयर्स टू बी द एंड ऑफ द डंजन। इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी फर्दर। इट्स टाइम टू गो बैक। ओके, वापस जाने का टाइम आ चुका। हमने कुछ मिशन कम्प्लीट किया है नहीं। माई क्लियर ड्रेंच ब्लफ, वेरी इंप्रेसिव। तो यहाँ पर हमने वो मिशन, एक सेकंड, वो मिशन पूरा हुआ ही नहीं है अभी तक। हमें कोई ट्रेजर तो मिला ही नहीं वहाँ पर। वेट यार, ये क्या हुआ है? पर हमने खाली मिशन यहाँ पर डंजन कम्प्लीट किया है, मिशन तो वही नहीं पूरा हमारा। अरे यार, ये सही नहीं हुआ यहाँ पर। वी शुड गेट सम स्लीप टू, लेट्स मेक टुमारो अनदर गुड डे। ठीक है यार, वो तो ठीक है, पर यहाँ पर हमारा मिशन तो वही नहीं यार कम्प्लीट, ये सही नहीं हुआ। सो गाइस, इससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जो मिशन है वो कम्प्लीट कर दूंगा ऑफ वीडियो। एंड फिर अगली वीडियो में हम कोई नया मिशन देखेंगे जो कि मेन स्टोरी से रिलेटेड होगा, और उस ग्रोवेल के बारे में मुझे पता करना है, वो करके आ रहा था वहाँ पर। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना जिससे कि मेरी वीडियो मिस ना कर पाए, और एक कमेंट भी कर देना जिससे कि मुझे आगे वीडियोस बनाने की मोर मोटिवेशन मिले। और मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।